नमस्ते एवरीवन, सो माय नेम इज रंजीत सिंह एंड आज हम लोग एक नई स्किल्स डेवलप करने के लिए जोधपुर आए थे। और मेरी लाइफ की एक और नई स्किल, नई तरह से मैं कुछ सीखने आया था जोधपुर। एंड आई वाज सो लकी कि मुझे एक ऐसे टीचर मिले जोधपुर में जिनके थ्रू मुझे नई स्किल्स तो डेवलप की, साथ साथ मुझे उनसे एक फैमिली लव भी मिला और एक अलग ही तरह का हमारे जो इंडियन कल्चर, जिसको भारतीय संस्कृति, जो रियल संस्कृति, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टुडे विथ मिस्टर अशोक गहलोत। नमस्ते सर। सर, जिस तरह से आपने यूथ को, आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है हमारे भारत की तरफ, आप क्या चाहते हैं यूथ को, आप क्या मोटिव है आपका, आप क्या देना चाहते हैं यूथ को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूथ के लिए? मेरा संदेश ये है कि अपने जड़ों को वो नहीं भूले। अच्छा। अपनी संस्कृति की जो जड़ें हैं उनको याद रखे, अपने कल्चर को अपनाते हुए आधुनिकता की ओर जाए, उनके नए आविष्कार है जो भी है उनको अपनाते हुए अपने कल्चर को भी साथ में रखे, उनको नहीं भूले। सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा, मिस्टर अशोक गहलोत जो मेरे अभी गुरु हैं, सो उन्होंने कभी रिसेंटली मूवी लॉन्च हुई थी पृथ्वीराज चौहान मूवी, उनमें उन्होंने काम किया है, ऑलमोस्ट सारी पगड़ियाँ इनके हाथ की बंधी हुई है। सो आप लोगों को सुन के काफ़ी हैरानी हो रही होगी, तो आप उनको लाइव देख रहे हैं आज यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बेस्ट क्वालिटी इनकी बताना चाहूँगा कि इनको 1400 टाइप्स की पगड़ी बांधना आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पगड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, तो किस तरह की पगड़ियाँ इनके पास है, अलग अलग तरह की पगड़ी है। एक गुजरात की पगड़ी, सामने भुज की पगड़ी लगी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर मराठाओं की पगड़ी लगी हुई है, पंजाब की पगड़ी है, अलग अलग तरह की, काफ़ी तरह की वैरायटीज़ है। एक जगह पर शो नहीं हो पाएंगी इसलिए कुछ ही पगड़ी यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन आपको अगर इनका इतिहास जानना है, इनके बारे में जानना है कि इसका क्या महत्व होता था, इसका क्या कारण था कि इस तरह की पगड़ी बांधी जाती थी, तो सर को पूरा पूरा उसका नॉलेज है और आपको एकदम रियल रियल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किताबी चीज़ों से, इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ का प्रैक्टिकल किया है। तो चलिए आगे और इनसे बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे मैं सबसे और ये कुछ जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर ये लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और किस तरह का इनका और आगे विजन है। फ्यूचर में मेरा प्रोजेक्ट है पगड़ियों पे एक रिसर्च बुक लिखना। ओके। जिसमें जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है, 12 कोसा बोली पलटे माता महिला पेच पलटे, तो उसी तरह से हर 12 कोस पे बोली के साथ सर पे बांधने वाली जो साफा होता है, पगड़ी होती है, वो बदलती रहती है। तो उसी के आधार पे हर 12 कोस पे जाके मैं खुद प्रैक्टिकल रूप से वहाँ जाके इस तरह का शोध करना चाहता हूँ। अलग अलग जो अभी वर्तमान में जो बांध रहे हैं उनके हाथ की बांधी हुई पगड़ियाँ कलेक्ट करना चाहता हूँ, खुद भी सीखना चाहता हूँ। काफ़ी सीखी हुई है लेकिन ज़िंदगी जो है, इतनी सारी पगड़ियाँ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, अब बलूचिस्तान की पगड़ियाँ हैं, ईरान की पगड़ियाँ हैं, अफगानिस्तान की पगड़ियाँ हैं, इंडिया की पगड़ियाँ हैं, इस तरह से वर्ल्ड में हर जगह पगड़ियों का अपना एक अलग महत्व है। ओके। तो इंडिया के अलावा भी जहाँ पगड़ियाँ हैं उनको भी, अभी मेरी जो उम्र है वो छोटी पड़ जाएगी इसके लिए, लेकिन कोशिश रखूँगा कि जीवन में कुछ सीखते रहें। और अभी तक 1400 टाइप्स की पगड़ियाँ मैं बांध चुका हूँ और नेक्स्ट ईयर शायद 15 के आसपास मेरा आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। ओके। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इनने अभी तक 1400 की पगड़ियां बांध चुके हैं और आगे अभी इनका अगला नेक्स्ट टारगेट है 1500। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत के बाहर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अलग अलग देशों की पगड़ियां बांध रहे हैं। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इनका सोशल मीडिया अकाउंट का मैं आपको सारा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उनको वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इनसे ऑनलाइन पगड़ी मंगाना चाहते हैं तो आपके घर पोस्ट सुविधा मिल जाएगी आपको, आपके जहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे वहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर और इनके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पगड़ी अभी बांधी हुई है, ये सर के द्वारा ही सिखाई गई थी। जब मैं पहले दिन आया था यहाँ पर तो मैं 0 अंडा आया था, मैं पगड़ी के साथ घूम रहा था और मैं एक मतलब कुछ आज जानता ही नहीं था पगड़ी के बारे में, लेकिन अभी मैं कुछ कह सकता हूँ कि मैं हल्का फुल्का पगड़ी के बारे में जान चुका हूँ और ये खुद मैंने अपने हाथों से बांधी है। तो आप देख सकते हैं कि विद इन 1 month और 20 days मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं जोधपुर में आकर पगड़ी सीखना, तो द ओनली एंड ओनली पाक पगड़ी पॉइंट जो मंडोर में है, एड्रेस सर आप बता दीजिए इसका क्या है। मेरी दो फर्म है, पाक पगड़ी पॉइंट एंड पाक पगड़ी आर्ट हाउस, मंडोर बड़ावेरा मंडोर और आमलीबेरा मंडोर, आमली बेरा मंडोर और मंडोर बेरा में इनकी शॉप है। यहाँ पर आप आके, और अगर आपको दुल्हे के लिए कोई स्पेशल पगड़ी चाहिए, कस्टमाइज पगड़ी चाहिए, तो आपको हर तरह की पगड़ी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर फॉर सेविंग अवर कल्चर।
ऑफ भारत. थैंक यू सो मच. नमस्ते.